एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर गांव में टायर चलाते रहते थे। वहीं से दो औरतें पानी भरकर अपने घर जा रही होती हैं। अरे विमला बहन, ये रामलाल की बेटी को देखा, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी कैसे लड़कों के साथ खेलती रहती है, दिन भर इस टायर को लेकर दौड़ती रहती है। तुम सही कहती हो रेशमा बहन, ये आजकल के नौजवान भी ना, छोड़ो हमें क्या लेना देना, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वे दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन रीमा और बाबू टायर चला रहे होते हैं। देखो रीमा, आज मैं उस कुएं पर तुमसे पहले पहुंच कर दिखाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं आज कौन कुएं पर पहले पहुंचता है। फिर वे दोनों आपस में रेस लगाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने पर कुछ बदमाश उनका रास्ता रोक लेते हैं। अरे भाई ये क्या तरीका है, हटो हमारे रास्ते से। अरे मेरी छम छल्लो, ये इस उम्र में कहां इस मूर्ख के साथ टायर चलाती रहती हो, भला ये भी कोई खेल हुआ है, अभी हमारे साथ भी खेलो। पवन तेरी इतनी हिम्मत, रीमा के साथ बदतमीजी करता है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर बाबू जैसे ही उन लड़कों की तरफ बढ़ता है, पवन के दो दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। ए छोड़ मुझे, तुम लोग हमारे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़ मुझे छोड़। अब तेरा क्या होगा रो प्यारी, चल अब हम दोनों साथ में टायर चलाते हैं। तभी रीमा पवन के दोस्त को जोर से लात मारती है और बाबू उनकी पकड़ से छूट जाता है और वे दोनों वहां से भागने लगते हैं। जल्दी भागो रीमा, हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना होगा। तभी वे बदमाश भी उनका पीछा करने लगते हैं। अरे भागते कहो, आज तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तभी भागते भागते रीमा एक पत्थर से टकरा जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसके पीछे पीछे उसका टायर भी खाई में गिर जाता है। बदमाश भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे उस्ताद ये क्या हो गया, ये तो इस पहाड़ी से नीचे गिर गई, अब क्या करें। अरे भाई अब ये कमबख्त बाबू सबको इस बारे में बता देगा, भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता। ए काम करो, इसे भी उठाकर इस पहाड़ी से नीचे फेंक दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वे तीनों मिलकर बाबू को उठा लेते हैं। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम ये सब सही नहीं कर रहे। फिर वे बदमाश बाबू को भी उस पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और सबूत मिटाने के लिए उसका टायर भी नीचे फेंक देते हैं और गांव लौट जाते हैं। बाबू और रीमा की पहाड़ी से नीचे गिरते ही मौत हो जाती है। फिर एक दिन पवन अपने घर में सो रहा होता है, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है, उसे बेचैनी होने लगती है। फिर वो अपनी खिड़की पर आता है, तभी वो देखता है कि एक टायर खुद ब खुद चलता हुआ उसके घर के पास आकर रुकता है। वो बहुत घबरा जाता है। अरे अरे ये क्या, ये टायर खुद ब खुद कैसे चलकर इधर आ गया, लगता है हवा से चलकर आ गया होगा। फिर वो सोने चला जाता है, तभी वो टायर उसके दरवाजे से जोर जोर से टकराने लगता है। अरे अरे मर गए, ये कौन है जो जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है। फिर वो खिड़की का देखता है तो उसे वही टायर दिखता है, वो टायर पीछे की ओर जाता और तेजी से उसके दरवाजे से टकराता। हे भगवान, ये टायर खुद ब खुद मेरे दरवाजे से क्यों टकरा रहा है। अरे अरे मर गए रे, ये तो वही टायर है जो रीमा चलाया करती थी, अब क्या करूं, मुझे अभी रॉकी और मोनू को इस बारे में बताना होगा। फिर पवन पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है। अरे पदार्थ हो गया भाइयों, अब हम नहीं बचने वाले, रीमा जो टायर चलाती थी आज वो मेरे घर पहुंच गया भाई। तभी उन्हें दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर की आवाज आने लगती है। अरे अरे मर गए रे, लगता है वो टायर यहाँ भी पहुँच गया। फिर वे तीनों खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उन्हें वह टायर बाहर दिखाई देता है। हाँ भाई तुम सही कहते थे, ये तो वही टायर है, लेकिन ये खुद ब खुद यहाँ कैसे पहुँच सकता है, इसे जरूर कोई चला रहा है भाई। तुम्हारा मतलब वो रीमा भी यही आसपास की है। नहीं नहीं भाई ऐसा मत कहो भाई, वो तो मर गई थी, फिर वापस कैसे आ सकती है। भाई मैंने सुना है आईने में भूत दिखाई दे जाते हैं, जल्दी जाओ और एक आईना लेकर आओ। फिर मोनू भाग कर जाता है और एक आईना लेकर आता है। फिर वे उस आईने का मुंह उस टायर की ओर मोड़ते हैं तो उन्हें उस टायर के साथ एक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे अरे मर गए रे भाई, ये तो सच में चुड़ैल है, अरे मेरी बात तो चुड़ैल बन गई। तभी वह चुड़ैल जोर जोर से गुर्राने लगती है।
उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव वालों की नींद खुल जाती है और सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। उन गांव वालों को एक चुड़ैल दिखाई देती है जो टायर चला रही होती है। ये मंजर देख कर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे पवन भाई, ये तो सच में रीमा ही है। देखो रीमा भी बिल्कुल इसी तरह टायर चलाया करती थी। तभी उनके सामने वो चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ भाग रहे हो? पहचानो मुझे, तुमने किस तरह मुझे भगाया था। तुम्हारी वजह से मैं और मेरा दोस्त पहाड़ी से नीचे गिरे थे और तुम हमें वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गए। अरे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने आपको पहाड़ी से नीचे नहीं फेंका था, अब तो खुद ही भागते भागते पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। हमें छोड़ दो। अच्छा, तो मेरा दोस्त पहाड़ी से कैसे गिरा? क्या वो भी खुद ब खुद पहाड़ी से नीचे गिरा था या तुमने उसे उठाकर नीचे फेंका था? बोलो। पवन भाई, इसे कैसे पता चल गया कि हम ही ने उसे नीचे फेंका था? मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से भाग लो। ये चुड़ैल से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, ये हमें नहीं छोड़ेगी। तभी वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागो रे गांव वालों, कोई हमें बचाओ, ये चुड़ैल हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरे भागो रे भागो। फिर वो चुड़ैल भी टायर चलाते चलाते उनका पीछा करने लगती है। वे तीनों भागते भागते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तभी वो टायर तेजी से उनकी तरफ जाता है और जोर से पवन की पीठ से टकराता है। पवन उन दोनों के ऊपर गिरता है और उन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे तीनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। वो चुड़ैल अपनी मौत का बदला ले लेती है। उस दिन के बाद से वो टायर पूरे गाँव में इधर उधर घूमता रहता है और जो भी लड़की रात होने पर अकेली कहीं जा रही होती है तो वह उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके साथ साथ चलता और लड़की को उसके घर तक छोड़ने जाता। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गई हूं, अब आप जा सकते हो। फिर वो टायर वहां से